गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम आरती दुबे, सनबीम कॉन्वेंट स्कूल बक्सर से। आज मैं आप लोगों को चैप्टर वन, नवी कक्षा का दो बैलों की कथा जो है उसका पार्ट सिक्स बताऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट फाइव में ये बताया कि कैसे झूरी के दोनों बैल जो हैं कया के घर से भाग जाते हैं, और फिर पार्ट सिक्स जो है उसमें ये मैं बताऊंगी कि गया जो है दूसरी बार बैलों को लेने के लिए झूरी के यहाँ पहुँचता है, और इस बार पूरे ही सावधानी के साथ जाता है और अपने साथ दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर लाता है। रास्ते में उन दोनों बैलों को पीटता भी है, लेकिन मोती जो है गया के इस व्यवहार से बहुत दुखी होकर के रास्ते में दो बार गाड़ी को गड्ढे में गिराने की कोशिश किया, लेकिन हीरा ने उसके इस कोशिश को नाकाम कर दिया, यानी गाड़ी को गड्ढा में गिरते गिरते बचा लिया। शाम को संध्या समय जब गया दोनों बैलों को लेकर के अपने घर आता है तो उन्हें नाद पर बांध करके और रूखा सूखा भूसा उनके सामने डाल देता है और अपने बैलों को खली और चोकर देता है, और इस तरह से वो बैलों के पहले किए हुए शरारत का मजा चखाता है और उन बैलों को मोटे मोटे रस्सियों में बांध देता है। बैल जो है इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मालिक जो था झूरी उन्हें बहुत ही प्यार करता था, उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। इस तरह का अपना अपमान देख करके बैल उसे सहन नहीं कर पाते हैं, यहाँ मार भी पड़ती है, आहत और सम्मान की बात तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, दोनों ने नाद के तरफ आंख भी नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, एक ने भी पांव आगे नहीं बढ़ाया, और गया ने भी उन दोनों बैलों को बहुत ही पीटा, तो गुस्से में आकर के और मोती ने हल लेकर के भाग गया, और हल जुआ जुआट सारा टूट टूट टाट करके इधर उधर बिखर पड़े। इस तरह से बैलों ने गया के साथ व्यवहार किया। दोनों बैलों को यदि मोटी रस्सियों में नहीं बांधी गई होती तो वो पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना बेकार है, तो मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। हीरा ने कहा तो मोती ने कहा कि मार से क्या डरना, पड़ेगी तो पड़ने दो, बैल का जन्म जो लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ हाथ में मोटे मोटे डंडा लेकर के आया। दोनों ने हाथ में लाठियां लेकर के चला आ रहा था, दोनों के हाथ में लाठियां थी। मोती ने कहा, कहो तो दोनों को मजा चखा दूं, दिखा दूं इन दोनों को। हीरा ने कहा, नहीं भाई नहीं, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा। मोती ने कहा, नमस्कार।